मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच राजगढ़ में जोरदार बारिश हो गई। इस दौरान तेज रफ्तार में हवाएं चली, इस वजह से यहां पर अमित शाह की सभा के लिए लगाए गए टेंट हवा में उड़ गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बुधवार को खिलचीपुर में कार्यक्रम था, लेकिन इससे पहले आए आंधी तूफान ने जनसभा के लिए तैयार किए गए स्थल को काफी नुकसान पहुंचाया। फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासन एक बार फिर से सभा स्थल को तैयार करने में जुट गए। दरअसल मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस और टर्फ लाइन की वजह से कई दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 26 और 27 अप्रैल के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में ओले भी गिर सकते हैं और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं मौसम विभाग ने ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, श्योपुर कला, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा और सागर में ओले बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। भोपाल के कई इलाकों में सुबह बारिश भी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में भोपाल, शाजापुर, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है। इससे पहले गुरुवार को कई जिलों में मौसम बदला रहा। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भी बारिश आंधी का दौर रहेगा। 26 अप्रैल से एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल बारिश होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।